हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष दुबे आपका सक्सेस जी की शॉर्ट स्टोरीज सीरीज में स्वागत करता हूं। अब्राहम लिंकन, जो कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे महान और लोकप्रिय लीडर्स में से एक माने जाते हैं, वो कभी किसी की निंदा या आलोचना करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पर वो हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। आज मैं आप सबको उनकी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जिसने उनकी लाइफ और उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया और जिसकी बदौलत वो पूरी दुनिया में सम्मान और अपार सफलता को पा सके। बात उन दिनों की है जब लिंकन इंडियाना के पिजन क्रीक वैली में एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। लिंकन की एक खराब आदत थी कि वो लोगों को लेटर्स और पोएम लिखकर उन्हें क्रिटिसाइज करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। ना सिर्फ इतना बल्कि उन्हें न्यूज़पेपर्स तक में पब्लिश करवा देते थे। 1842 में लिंकन ने जेम्स शील्ड नाम के एक बहुत ही चिड़चिड़े नेता के बारे में एक सरकाज़म से भरी पोस्ट स्प्रिंगफील्ड जर्नल में पब्लिश करवा दी। पूरे शहर में शील्ड्स का मजाक उड़ाया जाने लगा, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने आखिर पता लगा ही लिया कि ये पोस्ट आखिर किसने लिखी है। वो अपने घोड़े पर सवार होकर लिंकन के पास पहुंच गए और तलवारबाजी के मुकाबले के लिए चैलेंज दे डाला। लिंकन को तलवारबाजी नहीं आती थी, पर आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ा। मुकाबले की डेट और प्लेस तय हो गई। लिंकन वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी लेने लगे। मिसिसिपी रिवर के किनारे जिस दिन उनका मुकाबला होना था, दोनों में से एक की मौत होनी तो निश्चित थी। दोनों आमने सामने जा पहुंचे थे, पर लोगों को इस बात का पता चल गया और दोनों के फ्रेंड्स और परिवार वालों ने बीच बचाव करके इस मुकाबले को टाल दिया। ये लिंकन की लाइफ की सबसे दुखद घटना थी। इसने लिंकन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। कुछ देर के लिए तो उन्हें उनकी मौत उनके सामने दिख रही थी, पर किस्मत से वो बच गए। इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी किसी की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कभी किसी का भला नहीं हो सकता। और उन्होंने लोगों का मजाक बनाने वाले लेटर्स और पोएम्स भी दोबारा कभी नहीं लिखे। हर इंसान की सफलता में सबसे बड़ी रुकावट उनकी खराब आदतें होती हैं, जिनमें से एक है लोगों को क्रिटिसाइज करना और उनकी कमियों को ढूंढना। इसीलिए डेल कार्निगी कहते हैं कि हमें कभी किसी की निंदा या आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी किसी का भला नहीं हो सकता बल्कि नुकसान ही होगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि इसी बारे में है उसे नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आपको हमारी शॉर्ट सीरीज की पहली कोशिश कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आज के लिए हमारे चैनल पर बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।